अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बेरियम फॉलो थ्रू एंड बेरियम एनेमा को स्टडी करेंगे। बेरियम फॉलो थ्रू जो कि बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने के लिए होता है, उसको हम देखेंगे, उसके इंडिकेशंस, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, उसकी कॉमन पैथोलॉजीज हम एक्सरे पे देखेंगे, लाइक ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंटेस्टाइनल टीबी। बेरियम एनेमा जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के लिए होता है, उसको हम देखेंगे, उसका प्रोसीजर, उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, उसकी कॉमन पैथोलॉजीज लाइक कोलोन कैंसर, हिशप्रंग्स डिजीज, पॉलिप्स, डायवर्टिक्यूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। एक हदीस में शेयर करना चाहूँगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं, फिर वो तमाम आसमान वालों में आवाज़ देते हैं कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर तमाम आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसके बाद वो ज़मीन में भी अल्लाह के बंदों का मकबूल और महबूब बन जाता है। सही बुखारी 6040। सो वो कौन बंदे जिनसे अल्लाह कहता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मोहब्बत करो और सब मोहब्बत करें। सो उन बंदे की क्वालिटीज़ कुरान में आती है कि अल्लाह लव करता है, प्यार करता है इन लोगों से जो कि अल मुतताहिरीन होते हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे पाकीज़ा रहने वाले होते हैं। फिज़िकली भी वो अपने आप को साफ़ रखते हैं एंड स्पिरिचुअली भी वो अपना तस्किया करते रहते हैं। अत्तवाबीन बहुत ज़्यादा जो है वह तौबा करने वाले होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन फौरन ही वो क्या करते हैं, तौबा कर लेते हैं। थर्ड है अल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, हर मुश्किल और आसानी में अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। अल मुत्तकीन बहुत ज़्यादा मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। अल मुहसिनीन एहसान करने वाले होते हैं, दूसरों पे रहम करने वाले होते हैं, नेकियों में आगे से आगे बढ़ने वाले होते हैं। अल साबिरीन बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले होते हैं। अल मुक्सितीन इंसाफ पसंद होते हैं। सो हमें चाहिए कि हम इन क्वालिटीज़ को कोशिश करें कि हमारे अंदर भी आएँ, ताकि अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करें। नाउ स्टार्ट करते हैं बेरियम फॉलो थ्रू। बेरियम फॉलो थ्रू के अंदर जो हम स्टडी करेंगे इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड पैथोलॉजी। सो बेरियम फॉलो थ्रू एक ऐसा फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं, फ्रॉम ड्यूडेनल फ्लेक्चर टू इलियोसीकल जंक्शन, यानी जो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको हम देखते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हम बीच में होती है, तो वो हमें इस तरीके से नज़र आती है, और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर जो है वो जा रही होती है, सराउंड कर रही होती है। सो हम क्या करते हैं कि बेरियम जो है, बेरियम सल्फेट जो है वो वाटर के अंदर मिक्सचर करके सॉल्यूशन उसका जो है पेशेंट को जो है पिलाते हैं, एंड देन फिर जो है वो हम क्या करते हैं, उसको पिलाने के बाद हम इस तरीके से जो है वो एक्सरे की कॉन्टीन्यूस इमेजेस लेते हैं, और उन इमेजेस को लेके फिर हम जो है वो एक वीडियो बना लेते हैं और फिर हम उसको जो है वो स्टडी करते हैं। सो डिफरेंट जो है पेशेंट की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, जैसे जो बेरियम सॉइल है वो उसके अंदर हम नहीं कहते कि आप जो है वो 2 घंटे या 4 घंटे जो है वो आप कुछ ना खा के आएँ, बस हम कहते हैं थोड़ी देर पहले ना खाए वो। लेकिन जो हमारा बेरियम एनिमा होता है उसमें 6 आवर्स, और बेरियम जो हमारा बेरियम मील होता है उसके अंदर जो स्टमक के लिए करते हैं उसके लिए 6 आवर्स के लिए कहते हैं कि NPO निल पर ओरल हो, आप ना खाएं कुछ 6 घंटे पहले उस प्रोसीजर से। और बेरियम फॉलो थ्रू में जो है वो कहते हैं कि 8 घंटे पहले तकरीबन आप जो है वो कुछ ना खाए हो आपने। सो ये इस तरह रेडियो ओपैक से बेरियम सल्फेट नज़र आता है हमें। इसकी इंडिकेशंस क्या है, कब हम इसको करते हैं, जब कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुई हो, कोई कॉन्ट्रेक्चर बना हुआ हो, कॉन्ट्रेक्शन हुई हुई हो, उसको देखने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन को, कोई मैस हो, कोई इंटेस्टाइनल टीबी हो उसको देखने के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब नहीं करते, सो जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो कि बेरियम आगे पास नहीं करेगा तब हम इसको नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी हो या सस्पेक्टेड परफ्यूरेशन लीकेज के चांसेस हो तो हम फिर ये नहीं करेंगे इस प्रोसीजर को। पैथोलॉजीज़ को देखते हैं, सो मोस्ट कॉमन इज इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि इलियोसिकल जंक्शन होता है जहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही होती है और जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम वाला पोर्शन शुरू हो रहा होता है, वहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है कि इस तरीके से इंटेस्टाइनल टीबी हमें प्रेजेंट हो रही हो। सो दिस इज़ सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, क्योंकि हमें पूरा जो है ये वाइट सा हमें नज़र आ रहा है और यहाँ पर इसकी डायग्नोसिंग है इंटेस्टाइनल टीबी।
इसमें ये हो रहा है कि जैसे कि हमने देखा था कि मिड लाइन पे हमारे पास, बीच में हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन इसमें क्या है कि सारा जो है वो डेविएट कर गया, पेशेंट के राइट साइड के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो यहाँ पे अगर देखें तो नज़र आ रहा है कि लूप से बने हुए नज़र आ रहे हैं, होल से बने हुए और ये नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन एक तरफ आ गई है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो दूसरी तरफ चली गई है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ रही है कि ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि बेरियम सारा कहाँ जमा हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जमा हो गया, तो क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है, तो इसलिए उससे जो अपर एरिया होगा वो सारा क्या होगा, बेरियम से फिल्ड हो जाएगा। और ये जो है वो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है, क्योंकि इसमें सारा बेरियम जो है वो हमारे पास फिल्ड नज़र आ रहा है। दिस इज़ ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर ड्यूओडेनम। अब इसकी क्या पहचान है कि अगर हमें देखें तो यहाँ पे हमें स्टमक का एक बबल नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो है वो दूसरा बबल नज़र आ रहा है, इसको डबल बबल कहते हैं। सिंगल बबल होता है जब सिर्फ स्टमक में गैस हो, और डबल बबल होता है जब जो है वो ड्यूओडेनम में भी हो। तो अगर हम इसको देखें तो स्टमक में बबल नज़र आ रहा है एंड ड्यूओडेनम में डबल बबल नज़र आ रहा है हमें। तो जब डबल बबल वाली सिचुएशन होती है तो इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूओडेनम के बाद है, क्योंकि ड्यूओडेनम के अंदर तो है हमारे पास मौजूद, बेरियम चला गया है, लेकिन उसके बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि उसके बाद बेरियम मूव नहीं कर रहा। एंटीरियर क्लाइसिस भी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने के लिए होता है, लेकिन जैसे हम बेरियम फॉलो थ्रू के अंदर जो है वो ओरली पेशेंट को जो है वो बेरियम देते हैं, लेकिन इसमें जो है वो बेरियम देने का मेथड डिफरेंट होता है। या तो हम जो है वो बेरियम को ड्यूओडेनम के वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, या जो है वो हम एनजी ट्यूब, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं नोज़ के थ्रू स्टमक या जेजनम तक, और फिर जो है वो हम बेरियम को जो है वो पंप आउट करते हैं और वहाँ से फिर वो जो है अपना पूरा ट्रैक बना लेते हैं। नेक्स्ट इज बेरियम एनेमा, जो कि हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए करते हैं। ये भी फ्लोरोस्कोपिक की टेक्निक है और ये लार्ज इंटेस्टाइन, कोलॉन, रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंडिकेशन क्या है, कब हम इसको करेंगे, जब जो है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो, क्रॉन्स डिजीज़ हो, यानी कहीं कहीं से जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तब हम करेंगे। डायवर्टिक्यूलोसिस के लिए करेंगे, कोलॉन कैंसर, पॉलिप्स, हिशप्रॉन्स डिजीज़ एंड वॉल्वुलस के लिए। वॉल्वुलस क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो ट्विस्टिंग हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है पूरी। और डायवर्टिक्यूलोसिस और पॉलिप्स में ये फ़र्क है कि जो हमारे क्यूला होते हैं वो बाहर होते हैं, यानी ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, इससे बाहर अगर आउट पाउचिंग हुई है तो वो डायवर्टिक क्यूलम है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई पाउचिंग बनी हुई है दैट इज पॉलिप्स। तो ये हमारे पास डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पर हमें ब्लैक गैस नज़र आ रही है और कहीं कहीं पर हमारे पास बेरियम नज़र आ रहा है। तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, पूरा जो है वो इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन नज़र आ रही होती है, लेकिन डबल कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, जो लाइनिंग होती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की वो वाइट होती है, उस पर बेरियम कोट हुआ होता है, लेकिन बीच में हमारे पास ब्लैक जो है वो गैस मूव करती हुई नज़र आ रही होती है। जहाँ जहाँ गैस मूव करती रहेगी वहाँ वहाँ का हमें जो म्यूकोजल लाइनिंग होगी वो नज़र आने लग जाएगी। सो बच्चों के अंदर हम जो है वो सिंगल कॉन्ट्रास्ट कराते हैं जिसमें हमें जो है मैस वगैरह देखना होता है, लेकिन जो बड़े हैं उसके अंदर हम जो है वो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कराते हैं, ताकि जो है वो हमें उसको देखने के लिए कि कोई जो है वो अल्सर वगैरह तो नहीं है, म्यूकोजा को देखने के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब हम इसको नहीं करेंगे, सो अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है या प्रेगनेंसी है या सस्पेक्टेड परफ्यूरेशन है, लीक के चांसेस हैं, या कोई अभी रिसेंट बायोप्सी हुई है, तब हम इसको नहीं करेंगे। सो ये कुछ पैथोलॉजीज़ हैं, जैसे हिशप्रॉन्स डिजीज़, ये जो है वो बच्चों के अंदर कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती है। इसमें ये होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, गैंग्लियन होते हैं, वो सही से डिवेलप नहीं करते बच्चों में, और जो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है बच्चों की, वो जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पा रही होती। सो इस तरीके से ये नज़र आता है, लास्ट पोर्शन में जो है वो थोड़ा सा वो बना हुआ नज़र आती है, कॉन्स्ट्रक्चर सा बना हुआ नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट इज कोलॉन कैंसर। कोलॉन कैंसर जो है वो इस तरह ईटन एप्पल लाइक इसकी फाइंडिंग होती है, कि इस तरीके से ये हमें ईटन एप्पल लाइक लगता है। तो इसमें क्या होगा कि हम जब स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हमें एक जगह किसी भी पार्ट पे हमें इस तरह से नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे ईटन एप्पल लाइक अपेयरेंस हुई हुई होती है। ये हमारा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारे पास असेंडिंग कोलॉन है, ये हमारा पास जो है वो ट्रांसवर्स कोलॉन है, और ये जो है वो डिसेंडिंग कोलॉन है। तो ये इसके असेंडिंग ये वाले ट्रांसवर्स कोलॉन के फर्स्ट पोर्शन पे जो है वो हमारे पास कैंसर है, कोलॉन कैंसर। दिस इज स्ट्रक्चर एंड डाइवर्टिकुलर। स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चर सब बन जाता है,
तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चर से बना हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन सी भी है, दिस इज स्ट्रक्चर। और डाइवर्टिक्यूला क्या है, बहुत अच्छा से नज़र आ रहा है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इससे बाहर आउट पाउचिंग हुई हुई है। अगर बाहर आउट पाउचिंग हुई हुई है दिस इज डाइवर्टिक्यूला, और अगर अंदर पाउचिंग हुई हुई होगी दैट इज पॉलिप्स। तो ये बाहर पाउचिंग हुई हुई है तो ये हमें डाइवर्टिक्यूला नज़र आ रहे हैं सिग्मॉइड कॉलोन के ऊपर। दिस इज पॉलिप्स, पॉलिप्स क्या होता है कि अंदर आउट पाउचिंग हुई हुई, तो ये हमें इस तरीके से ब्लैक ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। डैट्स इट, डैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।